Virgin Mary. Is this a Virgin Mary? Is this something like that? Was given on 14 15 21. This one. जी आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आप यहाँ से देख सकते हैं सीबू सिटी का नज़ारा। सामने पे आपका सीबू सेंट्रल पोस्ट ऑफिस भी है। ये इनका सैन पेड्रो नाम का एक हिस्टोरिकल प्लेस है। एंड यहाँ पे हम लोग ऊपर में ही
घूम रहे हैं, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी दिक्कत तो आ रही है। मुझे ठंडा भी लगा हुआ है, आपको तो पता ही है यहाँ पे कैनन वैनन सब रखे गए हैं, पुराने ज़माने के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है ये सब। आर्किटेक्चर तो आप देख ही सकते हैं, अच्छा खासा बनाया गया है। और वहाँ पे शिप्स भी हैं ऑलरेडी जो दूसरे एरियाज को जाएंगी। बारिश का चक्कर भैया, बारिश का चक्कर। जेबी को देखिए, बड़े आराम से वो अपना ब्लॉग बना रही है। मैं तो अपना चेहरा दिखाई नहीं पा रहा हूँ, इतना ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है। बारिश बहुत ज़्यादा हो ही रही है, तब से होती जा रही है बारिश। बारिश का क्या कर सकते हैं जी, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आप देखिए मैराइनर्स कोर्ट सीबू, ये पूरा मैराइन एरिया है। यहाँ पे जब कहीं पे नज़र आपको जाएगा तो मैरिन्स ही दिखेंगे, सब सब कुछ मैरिन एरिया है। और इसके अंदर ये छोटा सा इनका एरिया लोग का है, बहुत ब्यूटीफुल है। ये जो हम लोग वॉक कर रहे हैं, इट इज़ टोटली मेड अप ऑफ ओल्ड रॉक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, कुछ नहीं, जैसा था पहले वैसे ही है सब कुछ। बस बारिश कम हो जाती तो और मज़ा आ जाता, क्योंकि बारिश हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग तो वही हैं भैया, बारिश भी हम लोग ब्लॉगिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। छोटा सा एरिया है, जैसे आपको याद होगा कि मेरा जो महिला का था, तो महिला का भी मैंने ऐसे ही एक जगह पे मैंने अपना ब्लॉग बनाया था, बट वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़ा छोटा सा है। ये लाइक इंट्राम्यूरस का ही आपको कुछ ख्याल दिखा देगा, अगर आपने मेरी पहले वीडियोस देखे होंगे इंट्राम्यूरस के ऊपर मैंने बनाया तो था, ये आपको उसी तरह का याद दिला देगा, इंट्राम्यूरस में ऐसा होता है, सेम उसी टाइप की है। एंड यहाँ का एंट्री फीस इतना ज़्यादा नहीं है, लाइक 30 पेसोस है। 30 पेसोस में क्या हो जाता है आजकल, हम लोग एक हिस्ट्री जगह देखने को मिल रहा है, वॉट कैन बी मच बेटर देन दिस। ये भी बड़ी आराम से अपना करते जा रही है ब्लॉगिंग। बारिश हो रही है भैया, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है। और वहाँ पर अगर आपको दूर दिख रहा होगा, वो सबसे बड़ा ब्रिज है इन द होल फिलीपींस, सिबू मक्टान एयरपोर्ट से जोड़ता रहता है टू द मेन आइलैंड। वहाँ पे 7-Eleven तो दिख ही रहा है, लेकिन मैं भी जाऊँगा नहीं, भूख तो लगी नहीं है अभी तक, क्योंकि ठंड लग रही है। और कल मेरा रिटर्न है टू मनीला, तो आज का मेरा लास्ट डे है टू एक्सप्लोर एवरीथिंग इन सिबू। कल तो ऐसे नॉर्मल मैं चेकआउट करूंगा रूम पे, एंड 8 बजे की मेरी फ्लाइट है टू मनीला, तो बस वही है। नीचे उतरना है भैया, ये थोड़ा डर तो लगता है, मैं यहाँ पे रेलिंग पे हाथ रख रख के उतर रहा हूँ, भैया डर तो लगेगा यहाँ पे साला। ओके सॉरी सॉरी, मैं गुस्सा निकला है, आई थिंक यू नॉट माइंड दिस, माइंड मत करिए भैया भैया। ओके 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 ओके, पहुँच गया भैया, पहुँच गया। बारिश हो रही है, अभी हम लोग घर निकलते हैं, अभी और कुछ ज़्यादा घूमेंगे नहीं। ऐसे भी ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था सिबू, फिर मैं नेक्स्ट तो आऊँगा तो एकदम और ज़्यादा घुमा घूमी करूँगा, तो अभी हम निकल लेंगे अभी यहाँ से। अभी एक और जगह जाने का प्लान तो था मैगलन क्रॉस, लेकिन बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है एंड इस हालत में जाने में मुश्किल है, सो वी कैन जस्ट स्किप दैट फॉर नाउ। अच्छी जगह है, अच्छा लगा नहीं पर, सो अभी हम लोग रिटर्न करने वाले हैं, सो लेट्स गो बैक। चलिए जी।